स्टार्टिंग में छोटे छोटे बच्चों लोग को सिखाती थी, किड्स कोर्स या पावर पॉइंट वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह ये सब सिखाती थी। फिर बाद में धीरे धीरे मैंने एमएस ऑफिस टैली वगैरह भी सिखाना चालू किया, क्योंकि सीखने में अलग है और सिखाने में बात अलग होती है। आप सीख तो लेते हो कि हाँ समझ में आ रहा है, बट बोलना और बताना, समझाना, दूसरों को समझाना अलग होता है। तो वो सब मुझे थोड़ा नॉलेज आया, एक्सपीरियंस आया कि किस तरह से छोटे बच्चों के साथ कैसे समझाया जाता है, बड़े लोग को कैसे समझाया जाता है, उनको लिखवाना कैसे है, कैसे एक्सप्लेन करना है, वो सब सीखा। तो अभी इसी महीने अप्रैल में मेरे को 4 साल कम्प्लीट हुए यहाँ पर जॉब करके। 2013 में मैं यहाँ पर ज्वाइन हुई थी, मैं जब 12th में थी तभी मैंने यहाँ पर जॉब चालू किया था। फिर अभी अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुई है मेरी, सब खत्म हो गया, अभी यहाँ पर हम लोग जॉब कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे दो भाई भी हैं, यहाँ पे सब स्टाफ है, सब बड़े स्टार्ट में स्टडी भी कर रहे हैं और यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस भी मेरा, जैसे जैसे हम लोग ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा एक्सपीरियंस भी है। मतलब जो बाहर जाएंगे कि जब दूसरी जगह जॉब करेंगे तो हमारे पास कोर्सेस के भी सर्टिफिकेट्स हैं, प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है, प्लस हमारा ग्रेजुएशन। तो वही आपको भी बोल रहे हो कि आप साथ साथ में क्या करो, कंप्यूटर कोर्स भी करो और ग्रेजुएशन भी करते जाओ, क्योंकि अगर आप 10th करके डायरेक्ट जॉब पे जाओगे तो आपको 7-8 हज़ार का जॉब मिलेगा, बट आप ग्रेजुएशन करके प्लस आपका कोई कोर्स रहेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि हाँ